बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एसके क्रोशे गाइड में आप सबको खुश आमदीद। वीडियो का सेकंड पार्ट, जहाँ से हमने छोड़ा था, हम वहीं से इसका स्टार्ट लेंगे। राउंड वन, टू, राउंड थ्री हमने कंप्लीट किया था। अब हमारा राउंड फोर है। इसके लिए 5 mm क्रोशे हुक वही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो राउंड फाइव में हमने सिर्फ जस्ट स्लिप स्टिच बनाकर, टू चेन बनाकर स्लिप स्टिच बनाया। स्लिप स्टिच बनाने के बाद इसी तरीके से खींचेंगे। राउंड फोर हम शुरू करने लगे हैं और फिर वन, टू, थ्री, फोर और तमाम लूप में से निकालेंगे। स्लिप स्टिच, चेन वन और फिर दोबारा से वन, टू, थ्री, फोर। उसके बाद जो फर्स्ट हमने बनाया है इसी में वन, टू, थ्री, फोर और फिर अब जो ये टू हमारे सामने पेटल्स हैं इसमें वन, टू, थ्री, फोर। इसी तरह हमारे पास ये थ्री का सेट आ गया और अब इन तमाम लूप में से हम एक साथ निकाल लेंगे और फिर इस लूप को शामिल कर देंगे। स्लिप स्टिच, चेन वन, ये हमारा फोर्थ राउंड है। अब इसमें देखें फिर वन, टू, थ्री, फोर। इसके बाद वन, टू, थ्री, फोर और फिर अब ये कॉर्नर पे वन, टू, थ्री, फोर। इस तरीके से थ्री का सेट अब इन तमाम लूप में से निकाल लेंगे और फिर इस लूप को भी शामिल कर देंगे। स्लिप स्टिच, चेन वन और लास्ट में वन, टू, थ्री, फोर और अब इसी कॉर्नर पे वन, टू, थ्री, फोर। लास्ट में जो हमारे पास ये टू का सेट ही रहेगा और फिर तमाम लूप में से निकाल लेंगे। स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच, ये हमारा इस तरीके से राउंड फोर का हमारा सेट है। चेन वन, टू बनाएंगे और जो ये नेक्स्ट है इसमें जाएंगे टू, थ्री, फोर और बल लेकर
इन तमाम लूप में से निकालेंगे, स्लिप स्टिच, चेन वन, फिर दोबारा से वन टू थ्री फोर, और जो हम पेटल बनाई है इसी में वन टू थ्री फोर, और उसके बाद जो ये टू पेटल्स हैं इनके सेंटर में वन टू थ्री फोर, और अब तमाम लूप में से निकाल लेंगे और इसको एन में इस लूप को शामिल करेंगे, स्लिप स्टिच, चेन वन, और उसके बाद वन टू थ्री फोर, ये जो ये दो पेटल हैं इनके सेंटर में वन टू थ्री फोर। अब जो नेक्स्ट है कॉर्नर पे जो है वन टू थ्री फोर, अब इन तमाम लूप में से निकाल लेंगे, स्लिप स्टिच, चेन वन, आखिरी स्टेप हमारा वन टू थ्री फोर, और यहाँ पर कॉर्नर में दोबारा से वन टू थ्री फोर, टू का सेट आ गया, और अब इन तमाम लूप में से हम निकाल लेंगे, स्लिप स्टिच, बिल्कुल इसी तरीके से आपने अपना ये बाकी पैटर्न मुकम्मल करना है। ये मुकम्मल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा ये राउंड मुकम्मल हो गया। चेन टू बनाने के बाद स्लिप स्टिच, बिल्कुल कॉर्नर वाला जो हमारा स्टिच था इसमें जाएंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये हमारा राउंड यहाँ पे फोर्थ राउंड हमारा मुकम्मल हो गया। फिफ्थ राउंड उसके लिए उसी तरीके से इसी कोने पे सबसे पहले एक वन टू थ्री फोर, स्लिप स्टिच, चेन वन, और फिर दोबारा से वन टू थ्री फोर, और उसके बाद जो सबसे पहले हमने ये वाला बनाया है इसमें बनाएंगे। नेक्स्ट हम जो हमारा ये वाला पेटल है बिल्कुल इसके जहाँ पे ये बनाई है वहीं पे हम बना रहे हैं वन टू थ्री फोर, और उसके बाद इन दो पेटल्स के सेंटर में वन टू थ्री फोर। अब ये थ्री का सेट हमारे पास फिर आ गया। अब इन तमाम लूप में से हम निकाल लेंगे और फिर ये वाली लूप को शामिल करेंगे।
स्लिप स्टिच, चेन वन। देखें बिल्कुल फ्लावर की शेप बनती जा रही है, इसी तरीके से आपके हर उसमें पेटल में ये फ्लावर की शेप्स बनती जाएंगी। वन टू थ्री फोर, हमें थ्री थ्री के सेट बनाने हैं। जब हम लास्ट में पहुंचते हैं तो हम टू का सेट बनाते हैं। आप ये वाली बात याद रख लें कि हमने जब लास्ट में जाना है तो हमारे पास टू का सेट होगा। वन टू थ्री, और उसके बाद वन टू थ्री फोर। अब ये देखें दोबारा से थ्री का सेट। अब इन तमाम लूप में से एक साथ निकाल लेंगे और फिर एंड में इस लूप को शामिल करेंगे। स्लिप स्टिच, चेन वन, अब फिर वन टू थ्री फोर। इसके बाद ये जो टू पेटल्स हैं इनके सेंटर में वन टू थ्री फोर, और उसके बाद ये जो ये कॉर्नर पे टू पेटल्स हैं इनके बिल्कुल कॉर्नर में वन टू थ्री फोर। ये देखें थ्री लूप, थ्री पेटल्स हमारे पास, थ्री का सेट तमाम लूप में से निकाला और इसको शामिल किया। स्लिप स्टिच, चेन वन, अब हम लास्ट में टू का सेट बनाएंगे इसी तरीके से। वन टू थ्री फोर, और उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर में वन टू थ्री फोर, और फिर इकट्ठा तमाम लूप में से निकाल लेंगे। स्लिप स्टिच, चेन वन, वन टू थ्री फोर, हमारे पास ये देखें पेटल्स फोर ऊपर की तरफ आई हैं। अब हम नेक्स्ट हम जाएंगे चेन वन टू बनाने के बाद, अब ये जो हमारा यहाँ पे अब हमने नेक्स्ट में जाना है। वन टू थ्री फोर, ये बनाने के बाद स्लिप स्टिच, चेन वन, और फिर इसी तरीके से जैसे हमने ये वाला पैटर्न मुकम्मल किया है, इसी तरीके से आपने यहाँ पे बनाना है और बनाते हुए मुकम्मल करना है इसी पैटर्न को। ये मुकम्मल करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए हमारा ये वाला राउंड भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर मुकम्मल करने के बाद चेन टू बनाएंगे और स्लिप स्टिच बना के इस राउंड को मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ चेन वन, और इसी तरीके से नेक्स्ट राउंड वन टू थ्री फोर और स्लिप स्टिच, चेन वन, और इसमें वन। अभी हम थ्री का सेट बनाएंगे जैसे हम मुकम्मल बनाते आए हैं, उसी तरीके से इस राउंड को भी मुकम्मल करेंगे। थ्री और ये फोर, फोर लूप्स बनाने के बाद अब यहाँ पर वन टू थ्री फोर
अब उसके बाद ये जो पेटल्स हैं टू, इसके सेंटर में, वन टू थ्री फोर, ये देखिए हमारे पास थ्री 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 का ये सेट आ गया। अब इन तमाम में से लूप में से निकाल लेंगे और स्लिप स्टिच, चेन वन, इस तरीके से। अब फिर वन टू थ्री फोर, और ये पेटल और ये पेटल इसके सेंटर में, वन टू थ्री फोर। उसके बाद ये पेटल और ये वाली जो पेटल है इसका सेंटर, बल लेके ही जाएंगे हम, वन टू थ्री फोर, ये देखिए थ्री का सेट। अब इन तमाम लूप में से हम निकाल लेंगे और फिर एंड में इस लूप को शामिल करेंगे, इसको खींचेंगे, स्लिप स्टिच, चेन वन, ये भी थ्री का हमारा स्टक बन गया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ तक हमने ऐसे ही बनाना है, थ्री थ्री का बनाना है, वन टू थ्री सॉरी वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। उसके बाद ये जो टू पेटल्स हैं इनमें, वन टू थ्री फोर, इसी तरीके से हमारे पास थ्री थ्री का सेट आ गया। अब तमाम लूप में से निकाल लेंगे और फिर एंड में इस लूप को शामिल करेंगे, स्लिप स्टिच, चेन वन, और उसके बाद वन टू थ्री फोर, नेक्स्ट वन टू थ्री फोर, फिर अब लास्ट में वन टू थ्री फोर, इस तरीके से। अब फिर तमाम लूप में से निकाल लेंगे और इसको शामिल करेंगे, ये देखें चेन वन, और उसी तरीके से लास्ट हमारा वन टू थ्री, और ये लास्ट वन टू थ्री फोर, तमाम लूप में से। और इस तरीके से सारा हमारा पैटर्न हमने मुकम्मल करना है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव राउंड है तो ये हमारे ये फाइव ही होंगे यहाँ पर। ये इसी तरीके से आपने अपना सारा ये पैटर्न मुकम्मल करना है। ये मुकम्मल करके मैं दिखाती हूँ, ये देखिए देखने में बहुत खूबसूरत है, इसमें थोड़ा सा ये टाइम लेता है, बाकी ये बनाने में बहुत आसान है और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। ये नेक्स्ट मुकम्मल करके राउंड फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा ये लास्ट राउंड भी मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पर हमें एक स्लिप स्टिच,
स्लिप स्टिच ये हमारा सेंटर वाला हिस्सा जो था हमारी डॉली का ये मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट हमारा है ग्रीन कलर। नेक्स्ट हमारा ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर से आप बिल्कुल ये जो यहाँ से किसी भी कॉर्नर से आप शुरू कर दें। चेन थ्री हमें यहाँ पे बनाने हैं, 1, 2, 3 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सिंगल स्टिच और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे हमें चेन 4 बनाने हैं और सिंगल स्टिच, उसके बाद फिर चेन 4 ही और सिंगल स्टिच, फिर चेन 4, सिंगल स्टिच। ये पेटल और ये पेटल के जो सेंटर में चेन थी हम उसके ऊपर बना रहे हैं, फिर चेन 4, 1, 2, 3, 4 और सिंगल स्टिच, चेन 4 और ये सिंगल स्टिच, इसके बाद ये चेन 3, 1, 2, 3। यहाँ पर हमें जहाँ पे हमारी चेन 2 थी वहाँ पे हमें चेन 3 बनाने हैं और बाकी उसी तरीके से नेक्स्ट में सिंगल स्टिच और बाकी चेन 4 सिंगल स्टिच, चेन 4 सिंगल स्टिच इसके ऊपर बनाने हैं। इसी तरीके से ये राउंड मुकम्मल करके फिर मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए हमने ये सारा राउंड अपना मुकम्मल कर लिया ग्रीन कलर से। लास्ट में हमने ये यहाँ स्लिप स्टिच और अभी यहाँ सेंटर में आना है तो इसके लिए एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच बनाने के बाद चेन 1 और यहाँ अब हमें इसी तरह के ये जो हमने बनाया था इसी में जाएंगे और यहाँ जैस्मिन स्टिच बनाने हैं। 1, 2, 3, 4 और तमाम लूप में से निकालेंगे, फिर इस लूप को भी शामिल करेंगे। सिंगल स्टिच, चेन 1 और उसके बाद चेन 3, 1, 2, 3 और फर्स्ट लूप में जाएंगे ये वाली जो हमारी थी इन दोनों में जाकर और एक सिंगल स्टिच यहाँ बनाएंगे इस तरीके से। थोड़ा सा इसको खींचेंगे और चेन एक बनाएंगे। इसको बनाने के बाद दोबारा से इसी कॉर्नर में जहाँ से हमने तमाम स्टिचेस लिए थे इसी में जाएंगे और इसको इसमें से स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। मैं एक दफ़ा फिर बनाती हूँ। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, चेन 1 इस तरीके से और फिर जो ये वाला स्टिच है हमारा सबसे पहला इसमें ही जाएंगे और ये जैस्मिन बन स्टिच बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 तमाम लूप में से निकाल लेंगे इसे, इसको भी शामिल करेंगे। स्लिप स्टिच, अब हमने इसी तरह जैसे यहाँ पर बनाया था पीकॉट स्टिच इसी तरीके से बनाना है। 1, 2, 3 और ये वाली चेन और ये वाला जो है इसमें से ये निकालेंगे इस तरीके से और सिंगल स्टिच बना लेंगे। थोड़ा सा इसको खींचेंगे, चेन के अंदर से निकाला और फिर एक और चेन बना ली।
दोबारा से बिल्कुल स्टार्ट में जहाँ पे हम गए थे वहीं पर, और सिंगल स्टिच। ये देखें इस तरह की दो हमारे पास सिंगल स्टिच चेन। ये हमारा फर्स्ट हमारी बनी है। उसके बाद हमें चेन थ्री बनाने हैं। वन बना चुके हैं, टू थ्री, और नेक्स्ट जो हमारी चेन थ्री थी इसमें जाएंगे और एक सिंगल स्टिच, फिर चेन वन टू। अब हमें जो ये है हमारा जहाँ पे हमने ये सिंगल स्टिच बनाया था इसमें जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया। इसके बाद चेन वन, हमें सिक्स टाइम बनाना है, वन हम बना चुके हैं, टू टू डबल क्रोशिया, चेन वन, इसी में हमने बनाना है थ्री डबल क्रोशिया, चेन वन, फोर डबल क्रोशिया, चेन वन, फाइव डबल क्रोशिया, चेन वन, और ये सिक्स डबल क्रोशिया, चेन वन टू। इस तरीके से देखें, टू चेन बनाने के बाद डबल क्रोशिया, फिर सब में वन डबल क्रोशिया चेन वन, वन डबल क्रोशिया चेन वन, वन डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमने छः डबल क्रोशिया बनाया है और उसके हर एक के सेंटर में चेन वन बनाई है। चेन टू बनाने के बाद यहीं पर जो हमारी ये चेन है, चेन थ्री जो हमारी फोर थी, इसी में हम एक सिंगल स्टिच बनाएंगे इस तरीके से, और नेक्स्ट जो है चेन थ्री, वन टू थ्री, और यही वाली हमने रिपीट करना है अपना पैटर्न। एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने बना रही हूँ। यहाँ जाएंगे सिंगल स्टिच, चेन वन, और इसी में अब सिंगल स्टिच में ही, इसके बिल्कुल सिंगल स्टिच जो बनाया था उसी में वन टू थ्री फोर। स्लिप स्टिच, चेन वन, उसके बाद पीकॉट स्टिच बनाने के लिए वन टू थ्री, और जिस ये वाली देखें एक ये और एक ये, इन दोनों को शामिल किया और बाहर निकला है। और सिंगल स्टिच थोड़ा सा इसको खींचेंगे, चेन एक बनाएंगे लंबी तरह थोड़ी सी, उसमें से फिर ये फिर एक चेन बनाएंगे, और फिर दोबारा से उसी सिंगल स्टिच में जहाँ से हमने बिल्कुल स्टार्ट लिया था उसी में जाएंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट फिर मैं आपके सामने बना रही हूँ। ये देखें सिंगल स्टिच, चेन वन खींचेंगे और जो सिंगल स्टिच है उसी में वन टू थ्री फोर बनाने के बाद तमाम लूप में से निकाल लिया, इस लूप को भी शामिल किया, थोड़ा सा खींचा स्लिप स्टिच, ये बनाया हमारा, ये एक पेटल बन गई। अब इस पे पीकॉट स्टिच बनाने के लिए वन टू थ्री, और फिर इसके और इस दोनों चेन्स, ये देखें इस तरीके से निकालेंगे और सिंगल स्टिच थोड़ा सा बनाए खींचेंगे और चेन थोड़ी सी बड़ी चेन बनाएंगे एक, और उसके बाद जैसे हम नॉर्मल चेन बनाते हैं वो बनाने के बाद उसी सिंगल स्टिच में दोबारा जाएंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे, स्लिप स्टिच बनाया और फिर एक सिंगल स्टिच, अब फिर चेन थ्री, वन टू थ्री, नेक्स्ट चेन स्पेस में आ गए सिंगल क्रोशिया, चेन टू, और फिर दोबारा से ये वाला जो सिंगल क्रोशिया है इसके सेंटर में, और सिक्स टाइम डबल क्रोशिया चेन वन बनाएंगे, वन डबल क्रोशिया चेन वन,
टू डबल क्रोशिया, फिर चेन वन, थ्री डबल क्रोशिया, चेन वन, फोर डबल क्रोशिया, चेन वन, फाइव डबल क्रोशिया, चेन वन, और ये सिक्स डबल क्रोशिया। इस तरीके से सिक्स बनाने के बाद चेन टू बनाएंगे, और इसी चेन में जिसके हमने बिल्कुल स्टार्ट में लिया था जो बकाया चेन है उसमें जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर चेन थ्री, वन टू थ्री, और सिंगल स्टिच, चेन वन, और ये वाला पैटर्न यहाँ पर बनाएंगे। मुकम्मल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ।